नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। ग्राम ठिकरी में टेस्ट करवाने की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी भीड़। सभी एक ही कतार में खड़े होकर करवा रहे हैं टेस्ट। कहीं कोई मास्क और मुंह पर रुमाल बांधे है तो कहीं बिना मास्क के ही लोग हॉस्पिटल में जांच की कतार में लगे हुए। लॉकडाउन होने पर ग्रामीणों ने बार बार हिदायत देने के बाद भी ना सुनने पर चौपाटी तहसीलदार पर हुकुम दिगवाल और उनकी टीम ने पुलिसकर्मियों लगातार खड़े हुए। कोई भी व्यक्ति फिजूल मार्गों पर घूमता बिना मास्क के नज़र आ रहा है तो उन्हें बिना मास्क न घूमने और सैनिटाइजर का उपयोग मास्क का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। वो आवश्यक न होने पर घरों से न निकलने का सख्त आदेश दिया जा रहा है। वो फिजूल व्यक्तियों को पुनः घर में भेजा गया है। लाइसेंसी वाहनों के दस्तावेज जांच कर चालान पुलिस प्रशासन द्वारा काटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कोरोना के साथ साथ चालान के डर से भी फिजूल घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी नज़र आएगी मार्गों पर। हाँ सर, मैं दिशा मेडिकल ठिकरी से हूँ जी। और अभी कोरोना के चक्कर बहुत ही परेशानी आ रही है, माल आ नहीं पा रहा है जी। सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मास्क अवेलेबल है जी। सर्दी खांसी के लिए जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं जी। और जितनी ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ है वो पेशेंटों को अवेलेबल कराया जा रहा है। सर, अपने यहाँ सर्दी और खांसी को लेकर पेशेंट बढ़े हैं? हाँ सर, सर्दी और खांसी के लिए पेशेंट अधिकतर बढ़ रहे हैं जी। इससे बच्चों के लिए ज़्यादा हो रहा है। हाँ, उस कारण से यार बच्चों को अधिक तरीके हो रहा है, इससे सर्दी खांसी बच्चों के लिए अधिक चल रहा है। ठीक है। और आवश्यकता की चीज़ लेने के लिए जागरूक लोग हैं जो बिल्कुल आ रहे हैं सर। मास्क वगैरह या सैनिटाइज के लिए आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? उनको मास्क देते हैं और हैंड वॉश करने की अधिकतर दे रहे हैं कि आप डेटॉल हैंड वॉश करें, साबुन से दो, डेटॉल साबुन से। मतलब आप सावधानियां जो रखी जा रही है कोरोना के लेके वो भी बताते हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनको सजेस्ट दिया जाता है कि हर एक घंटे के बाद हाथ धोएं, हाथ साफ करें, किसी चीज़ को छुए नहीं, और जहाँ पे धूल कण या किसी के संपर्क में ना आए बाहर के व्यक्ति से दूर से बात करें, कम से कम डिस्टेंशन रख के। ठीक ठीक। और कम से कम जितनी सावधानी हो सके आप कर सकते हो। ठीक सर, आप यहाँ स्वास्थ्य विभाग ठिकरी में किस पद पे पदस्थ हैं? फार्मासिस्ट। सर, अपने यहाँ अभी सर्दी और खांसी के लिए साइरप और टेबलेट कितनी होगी अवेलेबल? पैरासीटामॉल बोली है 48,000 जी, साइरप 1,000 जी, उसमें ब्रूफेन साइरप भी सम्मिलित है, आइबुपुरा भी है। हाँ। और सिटीजेट साइरप है सर्दी के लिए, वो ठीक भी 3.5 मिनट के लगभग अवेलेबल। सर, अपने पर डे कितनी बार देते हैं अपन पेशेंट को? पैरासीटामॉल एक अराउंड 1,000 बढ़ जाती है। अच्छा। सिटीजेट बढ़ जाती 300-400। अच्छा सर, अभी पेशेंट बड़े हैं क्या? पेशेंट हल्के से बड़े हैं।